नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर स्टेटिस्टिक्स। येट नाउ वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सॉल्व सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। देयर आर नंबर ऑफ लेटर्स इन सर नेम्स फॉर 100 कंज्यूमर्स इन टेलीफोन डायरेक्ट्री। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज यूजर्स ऑफ टेलीफोन एंड द नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर सर नेम्स आर गिवेन बिलो इन टेबल। फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर सर नेम। सो नाउ नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, and 16 to 19. So you can see that there is a gap of 3. So it is इवन गैप, इवन क्लास साइज इज देयर, यूनिफॉर्म क्लास साइज इज देयर। 3-3 का गैप है सब तरफ। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ सर नेम्स? दैट इज 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। These are total 100 consumers, so it is FI. Now we will find class mark, that is XI. So 1 plus 4, 5 by 2, that is 2.5. इसी तरीके से 3-3 का गैप है, चाहे तो आप ऐसे कर लें 11 by 2, अदरवाइज 3 एड कर दें। So it is 5.5, 8.5, 3-3 एड करते जाएं तो that is 11.5, 14.5 and 17.5। एक दो तीन, ये 8 हैं, इसमें किसी एक को assumed mean मान लें। अच्छा रहेगा कि आप सबसे बड़े वाले को assumed mean माने, जिसमें सबसे ज़्यादा frequency होती है, उसे calculation बचता है। So अगर हमने इसे assumed mean मान लिया है तो डी आई क्या आ जाएगा? इट इज एक्स आई माइनस ए, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 3, 6, 9, 3-3 का गैप है तो 3 नीचे ऐड करो, और -3, -6 ऊपर माइनस करते जाओ। अदरवाइज आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करने से देखिए -6 आ रहा है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करोगे -3 आएगा। मैनुअल सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो और सब में 3 से डिवाइड कर दो और बाद में 3 से मल्टीप्लाई। और अगर सिंपली यहीं से ही कर लेना चाहते हो सो डी आई एफ आई कर लीजिए। 6, 6 या 36, 3 और 30, सो -90, ये 0 हो गया। 16, 3 या 48, 4, 6 या 24 एंड 9, 4 या 36। सो सिग्मा डी आई एफ आई इज इक्वल्स टू, यहाँ इनका सम कितना आ जाएगा? -126। इन सब को ऐड करो तो यहाँ ये 60 आ रहा है, और 60 प्लस 40 100, तो ये 108 आ गया। अभी 108 है, ये 126 है, तो यहाँ पर 18 बच जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें, 6 है तो कैरी करोगे, फिर यहाँ पर 16 है तो 18 बच जाएगा। और वो भी किसका बचेगा? निगेटिव का, तो -18, -18 यहाँ बच गया, ये ऐसा हो गया। अब मीन निकाल लें, ऐसे मीन भी लिख सकते हो। सो ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको कहते हैं मीन फ्रॉम डेविएशन फ्रॉम, मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। इस चीज को क्या कहते हैं? पहले भी हमने लिखा दिया है, मीन ऑफ डेविएशन।
सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डिविजन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो हमने एज्यूम्ड मीन 8.5 माना था और -18 बाई 100, -18 बाई 100 है। सिंपली यहाँ पर आप कंप्यूट कर लो तो -0.18, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें 8.5 में से 0.18 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज़ 8.32 आ जाएगा। सो इट इज 8.32। तो एवरेज जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं कंज्यूमर्स में, जो भी टेलीफोन कंज्यूमर्स हैं उनमें 8.32 लेटर्स माने जा सकते हैं ऑन एन एवरेज, इतने लेटर्स हैं मीन के बेसिस पर। तो हमने यहाँ मीन सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ किया है, उसके बेसिस पर ये माना जा सकता है। ये हो गया, यहाँ पर मीन एक बार और लिख लें और चाहे तो इसको हाईलाइट कर दें। ये तो मीन हो गया, यहीं से अब मोड निकाल लें। मोड के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो वाली क्लास मॉडल क्लास होगी। तो यहीं पर आप लिख लें ये दिस इज मॉडल क्लास, या ना लिखना चाहे तो फिर सेपरेटली लिखें। तो मॉडल क्लास यहाँ पर फॉर मोड, मॉडल क्लास इज 7 to 10, लोअर लिमिट 7 हो जाएगी, एच की वैल्यू 10 माइनस 7 जो कि 3 हो जाएगी क्लास साइज। इसके अलावा मॉडल फ्रीक्वेंसी को F1 माना जाता है और इसे F0 माना जाता है और इसे F2 माना जाता है। तो F0 30 है, F1 सबसे बड़ा होता है, F1 40 है और F2 16 है। मोड का फॉर्मूला लगा लें, वैसे मोड का कोई सिंबल नहीं है, मीडियन को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो मीडियन होता है उसे कैपिटल M से डिनोट किया जा सकता है, मीन को X बार से डिनोट किया जा सकता है, लेकिन मोड, मोड के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा सिंबल नहीं है। सो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसा कर लें, इंटू H। नाउ सारी वैल्यूज आप पुट कर दें तो L कितना है, L है 7 प्लस 40 माइनस F0 30 और 2F1 माइनस F0 30 माइनस F2 16 इंटू H दैट इज 3। सो 10 बाई 80, और 80 में से 46 माइनस कर लें, इंटू 3। सो 10 बाई 34 इंटू 3, सो इट इज 7 प्लस 30 बाई 34। पहले डिवाइड कर लें फिर ऐड कर लें, इधर नहीं आएगी, वही वैल्यू रहेगी। सो 34 बाई 3, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 15 बाई 17, 7 प्लस 15 बाई 17। नाउ डेसिमल लगाइए, जीरो बढ़ाइए, तो सो 8 टाइम्स जाएगा 136, एंड इट इज 14। फिर 8 टाइम्स जाएगा 40, तो 34, इतना ठीक रहेगा, 3 डिजिट तक ले लिया, 0.882। बाकी जैसा पीछे आंसर होगा उससे हम देखेंगे। तो 0.882, तो 7 प्लस 0.882, इट इज 7.882, मोड के हिसाब से इतने लेटर आएंगे,
लेट अस चेक कि मोड क्या दिया हुआ है। तो 7.88 दिया है मॉडल साइज, सो इसको हाईलाइट कर दें, कोई बात नहीं, हमने एक डिजिट ऊपर निकाल लिया है, ज़्यादा निकाल लेने से गलत नहीं माना जाता, कम नहीं निकालना है। अब मीडियन निकालें, फॉर मीडियन, मीडियन के लिए आपको इसमें एक और कॉलम ऐड कर लेना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ लेटर्स तो दिए हुए हैं, और या फिर आप लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ही बना लें, तो जो भी चीज़ दिया है उसमें लेस देन का कर लें, या फिर सिंपली भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके लिखा जा सकता है। सो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स लेस देन 4, लेस देन 7, लेस देन 10, लेस देन 13, लेस देन 16 एंड लेस देन 19। लेस देन 19 में सारे लेटर कवर हो जाएंगे। इसके बाद इनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लिखो, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 6, 30, 40, 16, 4, 4। फिर इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो, संचयी बारंबारता, दैट इज 6, 36, यानी 7 से कम जिनमें सरनेम में लेटर्स हैं ऐसे 36 कंज्यूमर्स हैं। फिर 10 से कम ये भी जुड़ जाएंगे, सो इट इज 76। फिर 76 तो 92, फिर 96 और ये 100। जो 100 है वो n बन जाएगा, टोटल कंज्यूमर्स इतने हैं। अब हमारे पास n के आने से फॉर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए क्या करोगे, n by 2 is equals to 100 by 2 is equals to 50. So the median class is that class which contains 50th observation. Median class is that class which contains, जो 50वें प्रेक्षण को रखता हो वही माध्यिका का अंतराल है, 50th ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ से पता कर लो, शुरू के 36 लोगों को भेज दो कि आप भाई मीडियन क्लास नहीं हो, आप सेंट्रल वैल्यू नहीं हो, आप चले जाओ। लेकिन जिनको आपने भेजा है उसकी लास्ट वैल्यू को ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसके अगले के 40 मेंबर्स में उसके अगले का जो 14वां मेंबर होगा, 14th मेंबर, वही 50 बना देगा, तो इसी में 50वां मेंबर फंस जाएगा आपका, इनको रोक लो। तो ये 7 to 10 है मीडियन क्लास, क्योंकि 7 के आगे और 10 तक, वहीं अगले 40 हैं और वहीं 50वां मेंबर है, क्योंकि 36 से 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो जो ये हो गई 7 to 10 वो मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास 7 to 10, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ कहा जाता है, वो 40 हो गई, ये एफ माना जाएगा। एच की वैल्यू कितनी हो गई, एच तो 3 है, इतने में आपका काम बन जाएगा। तो मीडियन की वैल्यू निकालो, मीडियन का फार्मूला लिखो, इसको कैपिटल एम भी लिख लो, दैट इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये भी फार्मूला आसान ही है, इसको अब यूज कर लो। नाउ L कितना है, L हमने लिखा नहीं है, L लिखना चाहिए था, तो L की भी वैल्यू लिखो, L इज इक्वल्स टू 7, 7 प्लस n by 2 50 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 डिवाइडेड बाय f, f कितना है और h कितना है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद 14 थ्री जा 42 बाई 40, ये 2 से ही कटेगा,
अब नहीं कटेगा, 20 से 21 में डिवाइड करो तो 21 बच गया, डेसिमल लगा के 0 लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ, 5, 1.05, 7 + 1.05, सो इट इज 8.05 इज मीडियन वैल्यू, सो मीडियन वैल्यू हो गई। ये तो मीडियन हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला वैलिड कितना हो रहा है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड इनटू 2 मीन, मोड प्लस 2 इनटू मीन, इससे पता चल जाएगा कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। तो हमारे पास मीडियन 8.05 है, इसका आंसर भी चेक कर लें कि पीछे मीडियन क्या आया है, तो मीडियन की भी चेकिंग हो जाएगी। नाउ इट कम्स एज 8.05, यही आंसर है। सो 3 × 8.05 मीन मोड कितना आया है, मोड की वैल्यू आई है 7.882, और मीन कितना आया है, मीन 8.32 आया है। तो 8.32 मीन की वैल्यू रख दी। अब इन सभी से पता करें, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16.64 और प्लस 7.882, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज 24.1515। इनको ऐड करिए, तो 2 2 1 कैरी हो जाएगा, तो 5 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 कैरी हो जाएगा 2, तो 24.15 इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24.552। थोड़ा ही बहुत मिलता है, वैसे तो बहुत डेविएशन है, इतना डेविएशन मान्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वैलिडिटी नहीं है इसकी, तो बस एक कन्वेंशनल फार्मूला है जो चल रहा है, अदरवाइज इतना इसका कोई ज़्यादा वैलिडिटी नहीं है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, कहा गया डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, 30 बच्चों का वजन दिया गया है, तो कुछ बच्चे कम वेट के हैं, कुछ ज्यादा वेट के हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, वेट इन केजी दिया है, कुछ बच्चे 42 45 हैं और कुछ 72 75 है, कुछ को ओबेसिटी है दैट इज ओवर वेट है, और कुछ अंडर वेट है, और कुछ का आइडियल वेट है, जो बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स है BMI रेशो कुछ का बहुत अच्छा है और कुछ का लोअर है, कुछ का अपर है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है 30 स्टूडेंट्स का, और हमें इसमें क्या चाहिए, सिर्फ मीडियन चाहिए, तो मीडियन निकाल लें। नाउ वेट, सो जो वेट दिया है उसको मैं लेस देन में कन्वर्ट करता हूं, सो वेट इन केजी लेस देन 45, फिर लेस देन 50, ये 5 5 का है, यूनिफॉर्म क्लास साइज है, 55, 60, 65, 70 और 75 kg तक के भी स्टूडेंट हैं। तो 10th में 50 kg तक होता है आइडियल वेट, तो फिर भी ये ऐसे हैं, बॉयज़ का 55 तक भी जाता है, गर्ल्स का 50 होता है। नाउ ये तो वेट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, दैट इज 2 3 8 6 6 3 2 6
632। अब इनकी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज संचयी बारंबारता लिखिए। लेस देन 45 के दो बच्चे हैं, लेस देन 50 में थ्री और शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 45 भी और ये सारे मिला के ही तो लेस देन 50 बनते हैं। लेस देन 50 में ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, तो 5। लेस देन 55 ये भी जोड़ दो, 13। लेस देन 60, तो अब 60 से कम तो ये 6 बच्चे और आ जाएंगे, दैट इज 19। 65 से कम 6 और आ जाएंगे, दैट इज 25। 70 से कम इट इज 28, और 75 से कम तो ये 30, यही एन हो गया। सो फॉर मीडियन क्लास एन बाई टू कितना हो गया, 30/2, इट इज इक्वल्स टू 15th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन कंटेनिंग क्लास इज मीडियन क्लास। तो जरा देखिए, ये 13th ऑब्जर्वेशन है। अगर आप कम वेट से ज्यादा वेट तक बच्चों को क्रम से खड़ा करें, तो शुरू के 13 बच्चों में तो आपको मिलेंगे नहीं सेंट्रल वैल्यू, आपका 15वां बच्चा जो है वही मीडियन वैल्यू है। तो इनको आप भेज सकते हो कि भाई आप घर चले जाएं, आप मीडियम वैल्यू सेंट्रल वैल्यू नहीं है। तो 13 वाला ये हो गया। और इसके बाद जो 55 to 60 है, 55 तक के तो 13th बच्चा हो गया। उसके बाद के जो 6 बच्चे हैं उसमें से जो दूसरा बच्चा है वही आपका 15वां बच्चा बनेगा। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या हो गई, इट इज 55 to 60, ये मीडियन क्लास हो गई। इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट 55 हो गई। क्लास साइज 5 का है, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें। और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, तो सी एफ इज इक्वल्स टू 13। इसके बेसिस पर आप मीडियन निकालें। मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, दैट इज एल प्लस इंटू एच। तो ये फार्मूला लगा दिया। नाउ इसके बाद एल की वैल्यू कितनी है, 55। एन बाई टू 15 आया है, 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, और जो एच है वो 5 है। सो दिस इज 55 + 2 × 5/6, 2 से ही कट जाएगा। सो इट इज 55 + 5/3, लेकिन 5/3 क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 6 6 आता रहेगा। एक और 6 लिख लो। सो इट इज 56.666 kg, यूनिट अवश्य लिखना है, इज मीडियन वेट। तो एक बच्चे का जो औसत वेट है वो 56.666 kg है। पीछे आंसर से टैली कर लेते हैं, अगर उन्होंने इसको अप्रोक्सीमेट किया है तो हम भी कर लेंगे। इन्होंने 6 7 कर दिया है, तो 56.666 आ गया। और उसको यहाँ अप्रोक्सीमेट कर लें, क्योंकि पीछे आंसर 6 7 है, तो आप इसे 7 कर लें, 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट किया। इसे ड्रॉप करोगे तो बढ़ जाएगा, 5 से ऊपर है इसलिए बढ़ जाएगा। सो दिस इज द मीडियन। नाउ देयर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ मीडियन जो कि हमने पीछे छोड़ दिया था, तो उस एग्जाम्पल को हम करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, इट सेज दैट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। तो इसका डेटा का मीडियन दे रहा है, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है इसमें से। तो ये क्लास इंटरवल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये नहीं बताया गया किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये कुछ डेटा है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में डेटा है वो नहीं बताया गया है, बट इस क्लास इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी पड़ रही, हो सकता है ये पगार हो डेली बेसिस की, तो कुछ भी हो सकता है, और एवरेज पगार 525 हो।
नाउ तो जो क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल के बेसिस पर हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएंगे। तो लेस देन 100 पगार कितने लोगों की है, 100 रुपीज, लेस देन 200, ऐसे बनाते चले जाएंगे। नाउ 1000 तक हम बना लेंगे। ये नाउ इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लें कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी है 2, 5, x, 12, 17, 20, 20y, 9, 7, 4। इसके बाद इनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो लेस देन 100 ये 2 इंटरवल आ जाएगा, लेस देन 200 तो ये दोनों आ जाएंगे, इट इज 7। लेस देन 300 में 7 + x, लेस देन 400 में 12 और ऐड हो जाएगा, 19 + x, लेस देन 500 तो 17 और ऐड हो जाएगा, दैट इज 36 + x। फिर यहाँ पर 56 + x ऐड होता चला जाएगा, और ये 56 + x + y, फिर 9 और ऐड हो जाएगा तो दैट इज 65 + x + y, फिर 7 ऐड हो जाएगा तो दैट इज 72 + x + y, और फिर 4 ऐड हो जाएगा तो 76 + x + y, यही n है। और ये कितना है, 100 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, जो कि 100 है, तो इसलिए 76 + x + y इज इक्वल्स टू 100। टोटल हर 100 मजदूरों की पगार है, तो x + y क्या हो गया, इट इज 100 - 76, सो इट इज 24। तो एक हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है, x + y इज इक्वल टू 24। 525 इज द मीडियन। 525 अगर मीडियन है तो मीडियन क्लास क्या होगी, 525 इज मीडियन। मीडियन तो मीडियन क्लास के अंदर ही आएगा, मीडियन, सो मीडियन क्लास इज 500 से 600, क्योंकि इसी के अंतर्गत 525 पड़ता है। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, 500, तो एच क्या हो गया, 100। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यहाँ से देखो जो 525 पढ़ रहा है तो 500 से 600 तक के बीच में पढ़ रहा है, तो 500 तक तो इतने हैं, 500 से 600 तक 20 हैं, नहीं तो बुक से ले सकते हो 500 से 600, तो 500 से 600 में देख लो, अपने प्रीवियस टेबल से रिफर कर लो, तो 500 से 600 कितने मिल रहे हैं आपको, 20 मिल रहे हैं, तो 20 हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और 20 से पहले ये जो चीज हो गई, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। अब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, आप फार्मूला लगा लें। तो मीडियन क्या हो गया, इट इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और इसमें वैल्यू डाल लें, मीडियन की भी वैल्यू डाल दें, मीडियन कितना दिया गया है, 525, इट इज इक्वल्स टू एल 500, एन बाई टू 50 आया है, और एन बाई टू यानी एन कितना है, 100 है, आप यहां से देखो एन कितना है, इट इज ओनली एन 100, तो एन बाई टू आप निकाल भी लो अलग से, तो 100 बाई टू इट इज 50, टोटल 100 है मजदूर।
तो 50 सी एफ कितना आया है, दैट इज 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स सी एफ है। सो 36 प्लस एक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 ली गई है, सी एफ 36 प्लस एक्स इसे लिखना भी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर जो क्लास साइज है वो भी लिखना चाहिए। दैट इज 500 प्लस, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 14 माइनस एक्स आएगा, माइनस अंदर भी ले जाओ तो 14 माइनस एक्स, 2 से इसे कट कर दो तो 5 आ गया, तो अब ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 प्लस 70 माइनस 5x, इट इज इक्वल्स टू 525। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 570, तो 525 इज इक्वल्स टू 570 माइनस 5x। 5x को उधर ले जाओ और 525 को इधर ले आओ, तो 570 माइनस 525, ऐसा करने पर ये 45 है 5x, तो x कितना हो गया, 9 हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 9 है और हमें मालूम है कि x प्लस वाई 24 है बाई इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन दिया है इसमें 24 है, x की वैल्यू प्लेस कर दो तो 9 प्लस वाई इट इज इक्वल टू 24, सो इट इज 24 माइनस 9। अब 4 है तो y यहाँ 15 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15, तो ये यहाँ का आंसर हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक हमारी एक्सरसाइज में भी है, जो कि 14.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। 14.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी एक्स एंड वाई की वैल्यू भी पता करनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवेन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का आपको पता करना है, बाकी जो चीज़ें दी गई हैं किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई हैं ये सब नहीं बताया गया है, बट ये है कि इतने इतने हो सकता है ये मार्क्स हो या कुछ और हो, बट ये बताया नहीं गया। आप इसमें लेस देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना लें, सो क्लास इंटरवल लेस देन टाइप, सो क्लास इंटरवल लेस देन टाइप, सो लेस देन 10 ऐसे आप बना लें और 60 तक बना लें, अच्छी टेबल वही मानी जाती है जिसमें 6 तक ही ग्राफ होते हैं, तो हमें अपना क्लास साइज ऐसा रखना चाहिए, ज्यादा बड़ी टेबल 10 तक की टेबल होगी तो अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये एक स्मार्ट टेबल मानी जाती है। फ्रीक्वेंसी एफ आई दैट इज 5x 20, 15, y एंड 5 ये है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो 5, 5 प्लस एक्स, 20 और ऐड करो तो 25 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि टोटल दिया गया है, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, टोटल वैल्यू 60 दी है, लास्ट में टोटल दिया है, अब टोटल ये 60 है, यही है ना, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, माइनस कर दो 60 में से 45, तो इट इज 15, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। मीडियन क्लास कित मीडियन कितना है, 28.5, तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई,
20 से 30 तक, क्यों? क्योंकि ये जो मीडियन है, मीडियन क्लास के अंतर्गत ही पड़ेगा 20 से 30। सो मीडियन क्लास क्या हो गई? इट इज 20 to 30। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 20 हो गई। तो क्लास साइज क्या हो गया? 10 का हो गया। अब देखो 20 से 30 के बीच में कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो 0 से 10 5 हैं, 10 से 20 X हैं, 20 से 30 20 लोग हैं। यही फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और ये CF हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। वो सारी चीजें भी यहाँ लिख लो। F 20 है, CF 5 + X है। अब इसको आप फार्मूले में डालें और एक्स और वाई का पता करें। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L+N/2 -CF/YF×H। L की वैल्यू है, यहाँ देखो कहीं लिखी होगी, L की वैल्यू 20 और +N/2। N/2 तो नहीं निकाला है, निकाल लो कहीं पर। N/2 इज 60/2 इज इक्वल्स टू 30। सो 30 हो गया। 30th वैल्यू हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है। -CF, CF कितना है? 5 + X, उसे ब्रैकेट में रखें। F कितना है? 20। H कितना है? 10। ये 0 0 कट गया। मीडियन की भी वैल्यू लिख लें, 28.5। यहाँ देखें, जब 30 में से 5 माइनस होगा तो आ जाएगा 25 - X। तो 20 + 25 - X/2, और ये है 28.5। 20 माइनस कर लो, 20 इसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको 28.5 - 20, इट इज 25 - X/2। सो इट इज 8.5 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो 8.5 × 2, इट इज 25 - X। सो 8 × 2 = 16, दैट इज 17 इज इक्वल्स टू 25 - X। सो X को इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, तो ऐसा करने से 8 बच जाएगा। यदि x 8 है तो y क्या है? x + y की वैल्यू कितनी पाई गई? x + y की वैल्यू 15 पाई गई। तो x अगर 8 है तो y क्या है? x की वैल्यू 8 डालिए। तो y हो गया 15 - 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। इसका पीछे आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, नाउ x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 7, तो यही आंसर हो गया। ये तो बात हो गई कि हम मीडियन कैसे पता करेंगे। नाउ मीडियन कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है। अगर अभी जो कोई भी सवाल हम कर रहे हैं तो उसको हम लोअर लिमिट से भी कर सकते हैं और अपर लिमिट से भी कर सकते हैं। कि जैसे एक क्वेश्चन आपके में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14.16, तो हमारे पास ये टेबल दी है 14.16 ही देखिए। और हमने इसका क्या किया है कि लोअर लिमिट से किया है, दैट इज लेस देन 140, लेस देन 145, ऐसे ग्राफ बनाए, यही ग्राफ बनाया है, जबकि टेबल ये थी। हम इसी को मोर देन पे भी बना सकते हैं। सो उस पे भी बनाया जा सकता है कि मोर देन ग्राफ। तो वी विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर मोर देन एंड देन वी विल फाइंड द मीडियन एंड वी विल चेक दैट मीडियन कम वेदर मीडियन कम सेम और नॉट। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि
लेस देन ग्राफ, आप कोई और ग्राफ ले ले, क्योंकि आप बिलो दिया है तो बिलो में आपको पता नहीं कि लोअर लिमिट क्या है, तो इसलिए हम ऐसा कोई लेंगे जिसमें मोर देन वाला आ जाए, जैसे ये ले लो आप लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर ठीक है कि अबव 40 की वेट इन केजी, तो सारे बच्चों का 40 से ऊपर तो सभी बच्चों का वेट है, तो सब बच्चे आ जाएंगे, यानी 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सो अबव 40 मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर हम रिफर कर लेंगे पहले क्या निकाला था और अब क्या आ रहा है मोर देन में। लेट अस डू इट। सो मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मीडियन दो तरीके से किया जा सकता है। सो क्लास इंटरवल मोर देन टाइप, तो आप क्लास इंटरवल ना लिखें क्योंकि फिर वो क्लास इंटरवल नहीं रहता है, वेट मोर देन टाइप लिखें, अब वो इंटरवल नहीं रह गया है। पहले भी एक जगह हमने क्लास इंटरवल लिखा है, तो उसको आप कैंसिल करके क्लास इंटरवल ना लिखकर जो भी उसकी वैल्यू है डेटा मोर देन टाइप लिख लें। अगर आपके में कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप उसे कह दें डेटा, जैसे यहाँ पे दिया था, अब ये क्लास इंटरवल नहीं रह गया, इसको आप लिख लें डेटा मोर देन टाइप। और अगर वो डेटा दिया है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो हम क्लास इंटरवल कट करके डेटा लिख ले रहे हैं। ऐसे हम यहाँ वेट दिया है तो यहाँ लिखते हैं वेट इन केजी मोर देन टाइप, वेट इन केजी मोर देन टाइप, मोर देन 40। तो जब हम क्लास में कहेंगे क्लास 10th में कि मोर देन 40 किसका वेट है, तो सारे बच्चे हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि सबसे हल्का वेट 40 kg है। फिर मोर देन 45, तो कुछ बच्चे हाथ नीचे कर लेंगे क्योंकि जो जिनका 40 से 45 है फिर वो हाथ नीचे कर लेंगे, हम कहेंगे 45 से ऊपर किसका वेट है। फिर मोर देन 50 पूछेंगे तो कुछ और बच्चे भी हाथ नीचे कर लेंगे, जिनका 45 से 50 था वो भी हाथ नीचे कर लेंगे। मोर देन 55 कितने बच्चे हैं, कुछ और हाथ नीचे हो जाएंगे। मोर देन 60 कितने हैं, मोर देन 65 कितने हैं, मोर देन 70, 75 नहीं लेंगे क्योंकि 75 से ऊपर का कोई बच्चा नहीं है, तो लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं ली जाती, मोर देन 70 ही लिया जाता है। 75 से ऊपर कोई बच्चा ही नहीं है, अगर आप पूछेंगे मोर देन 75, मोर देन 70 में दो बच्चे हैं, मोर देन 75 में कोई आएगा ही नहीं, जीरो रहेगा, इसलिए उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो कि यहाँ पर इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 40 कितने बच्चे हैं, सारे बच्चे रहेंगे, फ्रीक्वेंसी को आप अलग से लिख लें, फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पूरे के पूरे 30 बच्चे रहेंगे, सारे बच्चे 40 kg से ऊपर के हैं। फिर हम पूछेंगे अच्छा 45 से ऊपर के कितने, ये दोनों बच्चे चुपचाप जो हल्के बच्चे हैं हाथ नीचे कर लेंगे, तो ये 2 माइनस कर लो, अब 28। मैं पूछूंगा 50 से ऊपर कितने हैं, तो ये 3 बच्चे और हाथ नीचे कर लेंगे, क्योंकि ये तो जो 3 बच्चे हैं ये 45 से 50 तक वाले हैं, तो 50 से ऊपर वाले 3 और हाथ नीचे हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 25। फिर पूछेंगे 55 से ऊपर, तो 8 बच्चे और हाथ नीचे कर लेंगे, और अब आपके पास 17 बच्चे बच गए। फिर 60 से ऊपर कितने हैं, ये 6 बच्चे भी हाथ नीचे कर लेंगे। फिर 65 से ऊपर ये 6 बच्चे भी हाथ नीचे कर लेंगे, और फिर 70 से ऊपर तो ये 3 बच्चे भी हाथ नीचे कर लेंगे, 2 है, वैसे भी 70 से 75 दो ही बच्चे थे। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली है। अब इसमें एन बाई टू निकालें, एन की वैल्यू कितनी है 30, इसमें एन सबसे ऊपर रहता है मोर देन में। सो एन बाई टू इज 15th ऑब्जर्वेशन कंटेनिंग क्लास इस मीडियन क्लास, तो उसको मीडियन क्लास कहते हैं। तो आपको 15th ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब जरा यहाँ नीचे आते चले जाएं, ये शुरू के 17 बच्चे हैं, 17 से आपका काम नहीं बनेगा, इनको भेज दीजिए, पहले 17 बच्चे हैं तो वो नहीं होंगे, 17 से अगले जो 6 बच्चे हैं दैट इज ये 6, 50,
5 से 60 तक, क्योंकि ये 6 हैं, ऐसे सब सारे अलग अलग हैं। जैसे आप कहेंगे 40 टू 45 ये बच्चे हैं, 45 टू 50 ये बच्चे हैं, 50 टू 55 ऐसे ये हैं, इसके ये बच्चे हैं, इसके ये बच्चे हैं, इसके ये बच्चे हैं, और फिर इसके बाद 75 भी है उसके ये हैं, क्योंकि 75 हमने दिखाया नहीं है, तो इसलिए 70 टू 75 वाला ये होगा। तो ये ना देख लेना कि 65 से 70 ये है, ऐसा नहीं होता है 70 टू 75, क्योंकि लास्ट क्लास की अपर लिमिट छिपाई जाती है, तो उसकी वजह से ये लास्ट वाले के हैं। यहाँ से शुरू कर लो, 40 से 45 ये चीज़ है। तो इस तरीके से मीडियम क्लास हमारी कौन सी हो गई, शुरू के 17 बच्चे ये हो गए, बट 17 के बाद घटेगा तभी 15 आएगा, इनको घर भेज दो। कह दो आप 30 के शुरू के जो पीछे के 17 हैं वो चले जाओ, तो वो चले गए। अब इसके बाद ये वाली लिमिट ये है, तो यही फ्रीक्वेंसी हो गई मीडियम क्लास की। और जिनको आपने यहाँ पर घर भेज दिया है तो वो क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियम क्लास हो गया, तो दैट इज जिनको घर भेजा वो 17 बच्चे हैं, तो वो CF हो गया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये 55 टू 60 की है। तो इसलिए वो कौन सी क्लास हो गई, 55 टू 60, जिसमें लोअर लिमिट कितनी हो गई 55, जिसमें एच कितना हो गया 5, जिसमें एफ कितना हो गया 6, जिसमें CF कितना हो गया 17, ऐसे कर लिया। ऐसा करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज एफ इंटू एच, तो मीडियन 55 प्लस यहाँ पर 15th ऑब्जर्वेशन है, नाउ 15th, नाउ जब मोर देन का आपका ग्राफ बनेगा तो ये फार्मूला बदल जाएगा, ये पलट जाता है, यानी n बाई टू तो रहेगा और यहाँ पर जो माइनस है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इतना फर्क आता है, बाकी चीज़ ठीक रहती है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा लें और 15 माइनस 17 बाई एफ, तो एफ कितना है, एफ की वैल्यू है 6 और एच कितना है, एच इज 5, सो इट इज 55 माइनस माइनस 2 बाई 6 इंटू 5, तो दिस इज 55 प्लस 10/6, क्योंकि अब 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 55 प्लस 1.666, सो इट इज 56.67 अप्रोक्सीमेटली kg। यही चीज आई थी पहले जो हमने निकाला है थोड़ी देर पहले, तो अगर मोर देन का बनाओगे तो यह माइनस आ जाएगा, बाकी का कोई फर्क नहीं होता, तो ऐसे आप कर सकते हैं। नाउ हमारे पास थ्री सेंट्रल टेंडेंसी हैं, कौन कौन सी, मीन मीडियन मोड्स, सो मीन मीडियन एंड मोड आर द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए पता चलता है कि जो सारे डेटा हैं वो किसके आसपास ऑसिलेट कर रहे हैं, टेंडेंसी गिविंग डिफरेंट वैल्यू फॉर सेम डाटा, सबके अलग अलग वैल्यू आते हैं, तो गिविंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर सेम डेटा, सो विच सेंट्रल टेंडेंसी इज टू बी चूजन, इट शुड बी ए वाइज डिसीजन, सो विच सेंट्रल टेंडेंसी, is to be chosen is a always a burning question, burning question है कि कौन सी चुननी चाहिए, it is always a topic of discussion,
इफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज चूजन रॉन्गली देन द होल प्लान फेल्स. इफ कौन सी हमें चुननी, अगर हमने ठीक नहीं चुनी तो बात बिगड़ जाएगी. सेंट्रल टेंडेंसी इज चूजन रॉन्गली देन होल प्लान फेल्स. जैसे कि ये एक मौलवी जी थे और उनकी वाइफ थी. मौलवी जी, उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे. सो दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर. सो रिवर वॉज हैविंग सर्टन डेप्थ ऐसे, और फिर वो उधर जाना चाहते थे. तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो रिवर की डेप्थ है उनको पता थी, दैट इज रिवर की डेप्थ वॉज 1 मीटर. तो उन्होंने सबका, अपने बच्चों का मीन निकाला कि कितना मीन है. तो जब सबका मीन निकाला गया तो उन्होंने देखा, अर्थमेटिक मीन निकाला. सो सबकी हाइट देखी कि हमारी हाइट 1.5 है, ऐसे सबकी अपनी हाइट देखी 1.5 मीटर है, बेगम की हाइट 1.4 मीटर, और बच्चों की भी सबकी हाइट ले ली. तो उन्होंने जो मीन निकाला तो वो 1.1 मीटर था. और उन्होंने कहा कि एज अवर मीन वैल्यू इज अबव द डेप्थ ऑफ रिवर, तो रिवर की डेप्थ से हमारी मीन वैल्यू ज़्यादा है, सो लेट अस क्रॉस द रिवर. तो सारे लोगों ने क्रॉस करना चाहा, लेकिन उनके ज़्यादातर बच्चे डूब गए. तो ये कहा गया कि कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का त्यों. पूरा कुनबा ही डूब गया, पूरा परिवार ही डूब गया, और लेखा ज्यों का त्यों. बट जो स्टेटिस्टिक्स थी वो तो ठीक थी, बट कुनबा डूब गया. अगर उन्होंने सही सेंट्रल टेंडेंसी का चुनाव किया होता, यहाँ मोड वैल्यू ली होती कि बच्चे ज़्यादातर किस साइड के हैं, तो वो बच जाते. तो इस तरीके से हमें ये देखना होगा कि विच सेंट्रल टेंडेंसी इज टू बी चूजन इन विच कॉन्टेस्ट. इफ वी आर चूजिंग ए रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी देन वी हैव टू पे फॉर इट. सो ये बात हमें ध्यान देनी होगी. जैसे कि कई जगह एब्स्ट्रैक्ट नाउंस होते हैं, तो वहाँ मीडियन का चुनाव करना पड़ता है. जैसे काले से गोरे के बीच में जो हमारे क्लास का कॉम्प्लेक्शन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो क्लास में काले से गोरे तक बच्चों को खड़ा कर दो. तो जो मिडिल वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट कर दो, वहाँ मीडियन ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ उनकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू तो है नहीं. काले से गोरे कॉम्प्लेक्शन को मैथमेटिकली तो किया नहीं जा सकता. इसी तरीके से अगर हाइट का चुनाव करना हो तो लाइन से खड़ा करके मीडियन निकाल लो, ये बहुत आसान रहता है. जो मिडिल मोस्ट पर्सन है उसको ले लो. वेट के केस में भी ऐसा किया जा सकता है. तो कई जगह मीडियन सिंपलर रहता है और प्रिफर किया जा सकता है. कई जगह मीन को देखना पड़ता है, जहाँ पर जैसे मार्क्स ऑब्टेंड हैं, हम लोगों के रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ मीन एक भरोसेमंद है. सो इट इज़ ए रिलायबल सेंट्रल टेंडेंसी. तो जहाँ मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, तो स्कूल में ज़्यादातर काम मीन से लिया जा सकता है. जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उन सब में मीडियन से लिया जाता है, और कहीं कहीं पर मोड वैल्यू भी ली जा सकती है, जैसे इस कॉन्टेस्ट में ली गई है. सो विच सेंट्रल टेंडेंसी, किस केंद्रीय माप का कहाँ चुनाव करना है, ये उस प्रेक्षक के ऊपर आधारित होता है, और उसे भली प्रकार से सोच समझ करके ही इसका चुनाव करना होगा. तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही. थैंक यू वेरी मच.